भागलपुर सुल्तानगंज स्टेशन परिसर में आरपीएफ द्वारा 37वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। पहले सैंतीसवें स्थापना दिवस को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं, उसका दिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ आप सेवन न करें, अन्यथा आप सजा खुलाने की शिकार हो सकते हैं। जब भी आप ट्रेन में सफर करें, कोई ऐसा भी व्यक्ति जो आपके पास आके बैठ गया, पूछ रहे आपको शिकार होंगे। जब भी बाहर सफर करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर रवि यादव के नेतृत्व में 37वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय गान गाकर संकल्प भी लिया गया। पहले अपने वक्तव्य और कर्तव्य के साथ साथ निष्ठा के साथ काम करने की शपथ ली गई। इसके साथ ही रेल यात्रियों की सुरक्षाओं को लेकर माइकिंग के जरिए जागरूकता अभियान चलाते हुए मिठाइयां बांटी गई। कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं, उसका दिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ आप सेवन न करें, अन्यथा आप सजा खुलाने की शिकार हो सकते हैं। जब भी आप ट्रेन में सफर करें, कोई ऐसा भी व्यक्ति जो आपके पास आके बैठ गया, पूछ रहे आपको शिकार होंगे। जब भी बाहर सफर करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।
इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर रवि यादव ने बताया कि आरपीएफ के 37वें स्थापना दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही रेल यात्रियों को मिठाइयां बांटी जा रही है। एक्चुअली स्थापना दिवस के संदर्भ में आज हमने विभिन्न प्रकार के इवेंटों का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने सुबह से रन फॉर यूनिटी योगा शिविर लगाया है आरपीएफ का, स्वस्थ रहने के लिए जवानों में भी एक संदेश जाए ताकि वो अपने ड्यूटी की दिन भर की जो दिनचर्या है उसके अलावा भी समय निकाल के अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योगा करें। उसके अलावा हम लोगों ने आज सफाई अभियान भी किया है, स्टेशन प्रमाइसिस में सफाई अभियान किया, ट्री प्लांटेशन किया है, और अभी एक पैसेंजर अभियान इस कैंपेन भी हम लोग चला रहे हैं। ये सारी गतिविधियाँ हम लोग आरपीएफ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, रोज तो करते ही हैं लेकिन आज विशेष तौर पर इसको किया जा रहा है। भागलपुर में आरपीएफ के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर एसएन सिंह, पीयूष कुमार एएसआई, डीके रॉय, रविंद्र कुमार बीके सिंह, आरपीएफ कांस्टेबल एसके सुमन, राम करण, के लाल, गुलाम कवाड़िया सहित इत्यादि पुलिस बल भी मौजूद दिखे। सुल्तानगंज के लिए द एसडी न्यूज के संवाददाता संतोष राज की रिपोर्ट।